चाय जल्दी लो यार। चलिए ठीक है, वो जीती है। सर लोग सामने देखा, इधर देखो सर, सर सर एक्सक्यूज मी, इधर देखिए सर प्लीज, इधर सर लोग इधर, और बंदूक पकड़े हैं। हां हेलो प्लीज स्टेशन। हां चल रेडी, और नीचे रख और रोल, और नीचे रख जा रही है। खुशी हो रही है या क्या, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, खुशी है, कोई दुख नहीं है। सच्चाई की फिल्म बन रही है और सच्चाई का काम हो रहा है, और जो हम चाहते हैं, जैसे महमूद भाई और सतीश कुमार जी जो फिल्म का आगाम बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे मामा भी खड़े हैं बगल में, ये एसपी का पार्ट देते हैं। मैंने कहा अब एसपी को छोड़ दो, मेरे गैंग में भर्ती हो जाता। बायोपिक है मलखान जी की, ये एक इनके ऊपर एक किताब लिखी गई जिन्होंने बेस्ट सेलर किताब रही है, तो इनकी ज़िंदगी पे हम बायोपिक बनाने का फैसला किया है। जो दो घंटे में हमने जो ये 15 साल की जर्नी गुजारे है और एक मकसद के साथ गुजारे हैं, उसको हम पूरे दर्शाने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमेशा से लेकर आते हैं, इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद क्या है? डेफिनेटली ये भी जो कंटेंट की अगर बात करें, तो ये भी एक कंटेंट ऐसा है कि हमने सुना था कि सतयुग में वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के डाकू से संत बन गए थे, और ये एक संत है जो पूरी जीवन इन्होंने एक राम मंदिर में गुजारा था, राम का गुण गाते हुए गुजारा था, और लोगों ने इन्हें मजबूर कर दिया बागी बनने पर। तो ये हमें एक ऐतिहासिक लगा कि इन्होंने जिस मकसद से अपनी लड़ाई लड़ी थी, जिस मंदिर के वजह से पूरी ज़िंदगी गुजारे इन्होंने, उसको इन्होंने आखिर में जब इनको दिया गया तो इन्होंने समर्पण कर दिया। सतीश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा दिन आ गया कि अच्छे दिन आ गए क्या, मतलब इस प्रकार की अच्छी बात तो तब होगी जब इनकी सच्चाई और उनके दिखाई जाएगी और माना जाएगा। जो महमूद भाई ने बोला कि सतयुग में वो था कि भाई एक जो डाकू है उनको संत बनाया गया, यहाँ पे कहानी है एक संत को हथियार उठाने पर मजबूर करना, राम जानकी मंदिर में भजन गाने वाले और पंच होने वाले दबंग आदमी हुए जो उठा के इनको मजबूर करा, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, परिवार को छोड़ के कौन जाना चाहेगा, जंगलों में भटकना चाहेगा, कुछ आएगा ऐसा अपने मलखले मलगंदों को छोड़ के कंकर भीड़ों में जाना पीड़े। मकसद यही है कि हर आदमी उठाना कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारा सरकार को उनको सबको यही संदेश है कि इतना जुल्म ना किया जाए, न्याय मिलना चाहिए, और इनकी जो अन्याय इनके साथ हुए हैं वो दिखाने की कोशिश है कि भाई इतना जुल्म ना करो कि हर कोई हथियार उठा के भीड़ में भागे। हम मलखान जी, मलखान जी, क्या कुछ ऐसा कारण रहा जब आपको रुख करना पड़ा, मतलब जंगल का या कह रहे कि चंबल का जी, क्या कुछ कारण रहा, कैसे ये हुआ वाकया, और कैसे आप वहाँ पहुँचे, जरा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो कहानी तो शुरुआत से मैं बताएं आपको मंदिर से है। मंदिर का जब हम 18 साल की उम्र में पंच बने और पंचायत में जब आए, तो सोर्स वालों से मैंने कहा कि मंदिर की ज़मीन मंदिर से लगा दी जाए, तमाम अत्याचार, मेरा एक मित्र भी उसको मार डाला, तमाम इनकाउंटर करने की कोशिश, तमाम बार हमारी की, तमाम झूठे मुकदमे केस लगाए, क्योंकि उस वक्त एक नरसिंह राय दीक्षित गृह मंत्री भिंड के थे, उनका भतीजा तो केला सरपंच,
तो अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि मुझे मजबूर होकर अपने बच्चे और परिवार को छोड़ के बेहड़ों में जाना पड़ा। इसलिए मेरा एक ही मिशन था, शासन का जब ऑफर आया समर्पण का, तो मैंने कहा कि यद समर्पण तभी होगा जब मंदिर की जमीन 100 बीघा मंदिर से लगाई दी जाएगी, तब तक ये समर्पण नहीं हो सकता। सरकार ने मेरी शर्त को मान लिया और 100 बीघा जमीन मंदिर से लगा दी गई और कलेक्टर अध्यक्ष हम उसके सदस्य हैं, पूजा हो रही है, हमारा मन हो गया साफ हो चुका, हमारे जिंदगी का मिशन और मकसद जो पूरा हो चुका। हमने चाहता कि मेरा जो हथियार उठाया था परेशानी और कितना भी हमारा परिवार नष्ट हुआ हो, जब समर्पण में लौटे जिस दिन हमको खुशी हुई कि मंदिर की जमीन की लड़ाई और आज हमारे गांव में पूरी हो रही है, हमें बड़ी खुशी हुई और हम अपने आराम से अपने समर्पण कर जेल की रास्ता बना लिया। आप कुछ वाक्या वहां का शेयर करना चाहेंगे, जो वाक्या हुआ था जंगल में, कुछ डाकू भी रहे होंगे रियल में, कैसा डाकू नहीं बागी इंसान? हाँ, अभी तक आप डाकू लिखते रहे, आपने गलत लिखा, डाकू लिखना था आपको, जहां जहां राजनीति के मुद्दे बने वहां डाकुओं की आपने छटनी की, आपने तो हम लोगों को चंबल घाटी वालों को पकड़ लिया डाकू को, दूसरे डाकू की आपको हिम्मत नहीं रही जो आप कह सके, ये हिम्मत तो हम लोगों की है जो डाकू कह के हमने पुकारा है, ये डाकू तुमने हमें बागी बनाया है, एक दिन वो आएगा कि मेरे सामने तुमको झुकना पड़ेगा, ये हमारा एक मिशन। कैसे गलत बात है, और जमीन छीन ली जाए बलात्कार होते रहे तो गलत है, सजा देना गलत है, बलात्कारियों को मारना और किसी की जमीन को छीनना चौराहे पे मारना कोई अपराध, बलात्कार नहीं देखा मैंने, आज दुनिया में देखिए बलात्कार की छड़ी लगी है, बड़ी शर्म आती है, दुनिया का फोर्स लगा है, दुनिया का तमाशा हो रहा है, अपने अपने हथियार लिए बैठे हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाए फिर भी बलात्कार हो रहे हैं इस देश में, किसी कौम की लड़की होए, मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान की तरह काम करता हूँ। अच्छा सर, ये भी आप कहना चाहेंगे कि अपील करना चाहेंगे जो लोग अच्छे रास्ते पर, जो गलत रास्ते पर चले गए थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही रास्ते पर आना चाहते हैं, मतलब छोड़ के ये वाले जीवन छोड़ के आम इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जैसे रेणु यादव है, अब वो छोड़कर आ गई है, अच्छी ज़िंदगी बिता रही है, ऐसे बहुत सारे कौन कौन ऐसा है? रेणु यादव कोई डाकू है क्या? बागी है कोई? हाँ बागी है। कौन कहता है? हाँ कौन कहता है ऐसा? इटावा की? हाँ इटावा की। मैं सबको जानते हैं, जितनी डकैत महिला रही सबको जानते हैं, सबकी पोल जानते हैं, किस गैंग में रही, कौन सा हथियार चलाया, क्या किया, अब कहना नहीं चाहिए यहाँ अच्छी बात नहीं, ठीक नहीं है। अगर बागी का रोल किया है तो हमारे देश के अंदर पुतली बाई ने किया है, ईमानदारी से जो किया है, असली बहादुर थी तो पुतली बाई थी, हमने देख लिया महिला डकैतों को, इनको बोल्ट खींचना नहीं आता था, बंदूक चलाना नहीं आता था, एक पुतली बाई थी, हाथ कटने के बाद भी हाथ में जब बंदूक धर के बंदूक चलाना एक मर्द का काम किया, आपकी पुतली बाई थी। और ददुआ के क्या साथ? ददुआ बहुत अच्छा था, ददुआ का गैंग था, ददुआ को धोखे में मारा गया, मुखबर कर देते हैं गड़बड़ अकेले, मैं तो चाय पीते हैं ना दारू पीते और न पुड़िया खाते, मेरा ऑर्डर शीट पर लिखा हुआ है शासन के यहाँ कि मलखान सिंह कोई नशा नहीं करता। तो अब आपको सरकार से सपोर्ट मिला हुआ है, कैसा अब कैसी है सरकार के साथ आपकी? सरकार से सपोर्ट क्या है, खुद की रक्षा करना आप उनको, ये सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी कोई बच नहीं पाएगा बहन बेटी, ये तो हमारी आपकी भूल है, अगर सरकार के दम पे अगर कोई काम कर सरकार का सहायता लिए जाता है जब तक जो सरकार साथ दे, यदि अपनी व्यवस्था अपनी बहन बेटी को रखाना अपने घर को रखाना अपना भी कर्तव्य होता है, यह हर इंसान को होना चाहिए। अच्छा, आप अभिनय के रास्ते पर निकल पड़े हैं, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं अभिनय को लेके, कोई क्लास निकल पड़े हैं, क्लासेस वगैरह आपने किया है एक्टिंग की, क्या कहना चाहेंगे? निकल पड़े हैं ठंडी सड़क पे अपना सीना ताने, वाह और क्या है,
अच्छा घोड़ा वोड़ा तो आपने पहले चलाना सीखा? नहीं, घोड़े वोड़े नहीं। अच्छा, अब घोड़े आ जाएंगे कोई बात नहीं, बैठ लेंगे एक आदमी कोई दिक्कत नहीं है। बाप कहते नहीं मिलते थे बैठने को, क्योंकि घोड़ा ऊंचा होता है और घोड़ा पे हम बैठ जाते हैं और घोड़ा घोड़ा के गोली नहीं लगती कि मेरे। और फिर घोड़ा को हमको 3 दिन के बाद रोटी मिलती है और घोड़ा को हम और दूध और मतलब दौल चना कहाँ से ले आते, घास ही खोदते तो बागी काग बनती। सर आजकल जो बलात्कार होते हैं इसका जिम्मेदार? बलात्कार जो हो रहा है वो घिनौने काम हो रहे हैं, किसी बहन बेटी के साथ में, किसी कौम के साथ में नहीं होना चाहिए। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। बहन बेटी किसी के हो सबकी एक सी होती है, बहन बेटी में कोई बचाव फर्क नहीं होता चाहे किसी कौम की हो। सतीश जी क्या लगता है मलखान जी आपको फिल्म बनाने देंगे? जिस प्रकार से इनके फेवर है, कितना कितना चैलेंज होगा आपके लिए? नहीं, सही चीज़ दिखा रहे हैं, चैलेंज की क्या बात है जी, बिल्कुल सही उस पर चल रहे हैं। बस थोड़ा उसको फिल्मी वो देना है लुक, बाकी कहानी तो सच्चाई। तो राजकुमार का कहानी आपने सुना होगा कि वो अपने शर्तों पर चलते थे, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो शर्त तो इनकी भी है, मानते हैं इनकी शर्त। मोहम्मद भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको कितना चैलेंज होगा इस प्रकार? नहीं, फ्रेंकली बोलूँ तो ये चैलेंज नहीं है, एक आसानी है। हमारे सामने सारे रास्ते खुले हुए हैं, जो इन्होंने ज़िंदगी जी है वो इन्होंने हमारे सामने एकदम बच्चों की तरह खुली किताब की तरह रख दी और हम उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल चैलेंज नहीं है, जो इन्होंने जिया, जो इन्होंने दिया और जो हिस्ट्री में मिलता है, जो BBC ने कहा, जो सारे बड़े किताबों में आया, तो हमने उसी चीज़ को फॉलो किया जो इन्होंने जी करा है। कब जा रहे हैं फ्लोर पे? और ये आज लुक टेस्ट है और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तब अनाउंस करेंगे। मलखान जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करने के लिए और अगला जीवन जीने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा असली है सर, असली। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। पैंट सरक रही है? पैंट सरक रही है? सही कर लो, सेट दे दो दादा। क्या भाई जी, लाइव तस्वीर है आप? एक्शन बोले बोले। हाँ जी, ये चम्मल है यहाँ गोली चलती है और यहाँ मलखान सिंह की बोली चलती है। कट सर, फिर एक बार, ये चम्बल है या बंदूक की गोली या मलखान की चम्बल है या बंदूक की गोली या मलखान की बोली चलती है या मलखान सिंह की बोली चलती है। वन मोर सर, एक बार फिर, ये चम्बल है या गोली चलती है और मलखान सिंह की या बोली चलती है। एक सेकंड, ये चम्बल है या बंदूक की गोली चलती है और मलखान सिंह की बोली चलती है। बोली चलती है या मलखान सिंह की बोली चलती है। वेरी गुड, क्या बात है, कमाल है। यस, बंटे घाटे हो गए सर, क्या बात है, बढ़िया। रेडी सर? हां, रोलिंग साथियों के लाभ दिया जाता है तो दोस्तों होशियार हो जाओ, ये दाल पत्री के खाने वालों को ललकारो और भगाओ पूरी तरह से और सच्चाई से लड़ाई लड़ो। चंबल का एक रिकॉर्ड रहा, इन्होंने अपने परिवार को छोड़ के वनवास की तरह भेड़ में अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे जो चम्बल के बागी है, डाकू नहीं है, बागी सम्राट दत्ता मलखान सिंह।